अस्सलाम वालेकुम संगत, इकबाल अहमद सूमरो कचहरी जो मेज़बान तवासा पंजी कराची का दरगाह आलिया हक्कानिया कादरिया नक्शबंदिया कराची का तवासा लाइव आए हैं। वक्त मूसा गडायन अजमतुल्ला फारूकी, मोहम्मद इब्राहिम, अबू बकर खोसो, मुजीब महर, अबू बक उबैदुल्ला लाशारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। हमाद मीर सक्कर, मोहम्मद तारिक शामजई साहब, वसीम खोसा, कारी एहसान, अब्दुल हक पंवर, जाहिद हुसैन सूमरो, जकरिया सूमरो, अब्दुल मजीद जे यू आई, सूफी किरशन साहब, सदाई हक मौजूद, अब्दुलहादी ब्रोही, माया नाज, सलीमुल्ला सूमरो, शहजाद खान, अब्दुलशकूर लगारी, वसीम खोसो, अब्दुलक मंगी खानपुर, इद्रीस नूरी, उमरकोट, बाबू अरे तो सही दिल खुश करे चली, जकरिया, उबैद मुनवर बलोच, मेहरबान खान, मोहम्मद हनीफ, नसीर लगारी, अब्दुल वहाब सिंधी, गुलामुल्ला तुनियो, मलक मोहसिन अली, हाविस सईद, हाविस साजिद भंगर, सिराज अहमद जतक, अब्दुल बासित, सज्जाद काका, इश्फाक अहमद भंगर, फारूक शाह, लाला मोहम्मद, जकाउल्ला पंवर, सलीमुल्ला मोहम्मद अनीस, अमीर बख्श बजेर उमरकोट, यासीन बोजदार, हमादुल्ला जान अबड़ो, सिराजुल हसन, दीन मोहम्मद बुकजी, शकील अहमद, जहूर अहमद, अब्दुल हफीज लगारी, अब्दुल समद दोहड़ियो, हबीबुल्ला पवर, राजा दोस्त मोहम्मद पहोड़, मेहरबान अली खुआवर घोटकी, दिलबर लहड़ी, अब्दुल कदीर, आसिम वहीद सूमरो मेहरबानी, गुलाम मोहम्मद पीरजादो, अब्दुल हई सक्खर, असदुल्ला सिंधी, फजलुर्रहमान ब्रोही, सलीमुल्ला नवाब शाह खां, ज़रूर अचबो तरह तो तुखो टाइम पुछम इश्फाक अहमद कोरेजो, परवेज़ अहमद, मुनीबुर्रहमान पेचूहो, एहसान अली बलोच, अब्दुल अजीज सिद्दीकी, गुल मोहम्मद पंवर, फजल रंद बलोच, जी एच गुलाम हुसैन, यासीन बोजदार, हाफिज अब्दुल खैर नूनारी, खुदाबश कोरेजो, अब्दुल रब सोलंगी, अहमद हुसैन, उस्ताद अमीन, अहमद खान लुंड, अमीर बलोच, सोहराब अली, मोहसिन रजा कोलाची, सिकंदर अली नोहड़ी गरोर शरीफ, अली नवाज, अब्दुल कदीर, अब्दुल रहमान सिंधी जिला टंडो, मोहम्मद खान, मोहम्मद यासिर हैदरी, मोहम्मद अली, अब्दुल गफूर सूमरो, जावेद अली सूमरो, फारूक अहमद चन्ना, मोहम्मद हसन नोड़ी उमरकोट, अजीजुल्ला दर्स टंडो अल्लायार, खुदाबश सऊदी अरब जिद्दे खां, अली दोस्त वक्को,
ताज मोहम्मद सैयद रुशदुल्ला शाह बाबल साईं हक हाफिज जायद सिंधी अब्दुल समी पहोड़ इंजीनियर मुनीर अहमद गुलसन घोटो अब्दुल बारी ओढ़ाणो साईं अखियन ते सलाम अब्दुल हफीज पहोड़ हाफिज अब्दुल्ला भुट्टो छठे का वड़ी मेहरबानी सही गाल ये आए संगत गाल ये आए तो तवां जेके भी दिसो था कम से कम इन प्रोग्राम के शेयर कयो शेयर कंदो तदे खबर पौंदी त केतरे में सो आ अली दत्त वको साहब अज गाल ये आए तो पाकिस्तान के पाकिस्तान आजाद थियो 1947 14 अगस्त ते हन वत पाकिस्तान की उम्र 74 साल थी वई हर इदारे में रिटायर मानू वेठा आइन या वरी उन्हें जो मुद्दो वधायो थो वने एक्सटेंशन देनी थी वने को चवणवारो कोने पो उन्हें के एक्सटेंशन या कुछ थे तो चमचे हुजन जे करे छो तो चमचन जो अजकल रेट चढ़ल है अनवर सूमरो साहब अब्दुल शकूर सांगड़ खां वरी मेहरबानी साईं बुधो प्या शर साहब तां भी उमेर शर साहब पोए नौजवान काडे वञन नौजवान कहां जाएं डिग्रियां उनके पास हैं जाहिर बात है नौजवान डाकू बनेंगे फिर कोई कहता है कि छोला बेचे छोले बेचे खुदकुशियां करते हैं रेढ़े लगाते हैं डोमिसाइल जलाते हैं क्यों क्योंकि उनके इलाकों के अंदर जो बाहर के लोग हैं उनके डोमिसाइल बनाए गए और उनको मुलाजमतें दी गई रुश्वतों के एवज और हमारे जो भी इदारे हैं वापडा को ले लो स्टील मिल को ले लो गैस को ले लो एक्साइज को ले लो जो भी हमारे बड़े इदारे हैं नैब को ले लो पीआईए को ले लो पोस्ट ऑफिस को ले लो उनमें या तो बूट वाले बैठे हैं रिटायर या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं भाई मैं ये कहता हूं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बूट वाले हैं अगर कोई प्रोफेसर है या उस्ताद है वो रिटायर हो गया है तो उसको मुलाजमत क्यों दी जाती है ये नौजवानों के हुकूक पर डाका है ये गलत है होश के नाखून लो ये नौजवान कहां जाएंगे स्टील मिल के अंदर बाहर के लोगों को लाया गया हमारे बदीन की गैस कंपनियों के अंदर कंबर गैस कंपनी के अंदर और डहर की गैस कंपनियों के अंदर बाहर के लोग लाए गए वापडा के अंदर बाहर के लोग लाए गए पुलिस के अंदर बाहर के लोग लाए गए थरकोल थर के अंदर है थर पार्कर में वहां के अंदर बाहर के लोग लाए गए पोर्ट कासिम के अंदर बाहर के लोग लाए गए तालीम के अंदर बाहर के लोग लाए गए तो फिर लोग कहां जाएंगे नौजवान अगर कोई रिटायर है और अपना चमचा है तो उसको एक्सटेंशन दी जाती है भाई 5 साल लगे रहो तुम भी ये गलत है ये नौजवानों के हुकूक पर डाका है हम ये डाका कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे इस पर हम आवाज उठाएंगे हम नौजवानों के साथ हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं जो परेशान हैं अगर आप कहेंगे तो रिटायर कौन कौन से लगे हुए हैं अगर सिंध के अंदर बिहारियों को बाहर वालों को जो डोमिसाइल बनाकर मुलाजमतें दी गई और बाहर वालों को जो रिटायर लगाए गए हैं उनको अगर निकाला जाएगा तो सिंध को लोगों को रोजगार मिल जाएगा और ये सिंध के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका है ये हम नहीं मानते। दूसरी बात ये थी कि 74 साल पाकिस्तान की उम्र हो गई करप्शन अभी तक खत्म नहीं हो रही आखिर क्यों। अभी एक मसला चल रहा है सिंध हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जस्टिस अहमद अली शेख उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना था
लेकिन उनको बाईपास करके उनको एडहॉक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर काली जरब है जो कोई सूबा भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो सिंधी है, सिंध से है, इसलिए उसको एडहॉक लगाया जाए। हालांकि एडहॉक वाला जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 182 की वायलेशन है। एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जुल्फकार कादरी हैदराबाद से, उन्होंने चीफ जस्टिस सिंह अहमद अली शेख को कहा है कि इससे बेहतर है कि आपको एडहॉक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लगाया जाए, बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दो, बेहतर है। लेकिन एक दूसरी बात ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के बनाने की जो करारदाद थी वो सिंध असेंबली ने पास की थी। ये तारीख किसी चीज को नहीं भूलती है, तारीख में लिखा हुआ है कि सिंध असेंबली ने ये करारदाद पास की थी पाकिस्तान बनाने की, और पंजाब असेंबली ने रद्द की थी, फिर भी सिंधी गद्दार हो गए। मुझे तो अजब लगता है, मुझे तो परेशानी लगती है कि फिर भी सिंधी गद्दार है, हाँ सिंधी बेवकूफ हैं और पंजाबी वफादार हो गए। ये समझ से बात जो है बालातर है। दूसरी बात भी ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के बनाने में उलमा का किरदार था। इस 14 अगस्त को मैं अपनी कराची में था, मजार कायद के बाहर लोग जमा थे, बड़े लोगों के लिए मजार कायद खोली गई, और जो गरीब लोग थे, जो पैदल लोग थे, जो गाड़ियों पर आ रहे थे, जो मजदूर तबका था, उनको भगाया जा रहा था, चलो कोरोना है। लेकिन उसके ही करीब एक अजीम आदमी हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने पाकिस्तान का पहले झंडा लहराया था और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उलमा का खून पाकिस्तान के दरो दीवार के अंदर है, उसकी कब्र पे कोई भी नहीं था फातह के लिए। हमने सोचा, हम मुफ्ती साईंदाद के साथ चले गए और अपना अली मेरा बेटा भी साथ था, उसके साथ चले गए और फातह की आंसू निकलाया गए कि ये पाकिस्तान के बनाने में जिस उलमा का किरदार था, वो उलमा आज ऐसे पड़े हैं, कोई फातह के लिए तैयार नहीं है। मैं उलमा को कहता हूं इस अपने चैनल की वसादत से, इस पेज की वसादत से, कि आप नौजवानों को बताएं कि पाकिस्तान के दरो दीवार के अंदर उलमा का खून शामिल है। एक दूसरी बात भी मैं आपको बताता चलूं, मुकेश कुमार नमस्ते बाबा, खैरा तबीयत ठीक है, सपा पांजी कराची को बाबा तमाशा लाइव आयूं। आज एक न्यूज चली है, पाकिस्तान न्यूज अलर्ट पेज है, वर्ल्ड प्रोजेक्ट की रैंकिंग के मुताबिक 128 मुल्कों में किसे जो पाकिस्तान का अदालती निजाम है वो 120वें नंबर पर है। 120वें नंबर है पाकिस्तान का अदालती निजाम है, और महंगे से महंगा पाकिस्तान का अदालती निजाम है। और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के जजों के ऊपर 21 अरब रुपए माहाना खर्च होता है, फिर भी गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इन बदश रबिक अलशदीद, अल्लाह की जो पकड़ होती है वो बहुत सख्त होती है। ए मुनसिफो जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, गरीब लोगों के साथ इंसाफ करो, वरना वो दिन आएगा जब अकेले जाओगे। मार जावेद साहब बड़ी मेहरबानी,
राणो खान वड़ी मेहरबानी अनवर अली जियो हफीज या हफीज गुड अब्दुल खालिक थैंक यू साजिद अली कोरेजो कराची सलीम अब्बासी थैंक यू सलीम साहब मैं यो चीज अहमद अली शेख साहब जो बुधायुम तब असा कबूल न था क्यों तो असा जे चीफ जस्टिस के तवा एड हॉक जज लगायो सुप्रीम कोर्ट में ना हक था क्यों तारीख के में सारियो था तारीख तवा के बुरन ए कारण लफ्जन में याद कंदी तारीख तवा के माफ न कंदी भाऊशाही चवंदो त ये कौम सुती पई आ मगर उथी पई तपो माशर खा तिखिया हाली नंढ रपिया आहिनि ज़मीर सुबरो साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी यूनुस ख़ान जमाली वॾी महिरबानी सोहेल अहमद सोलंकी साहब वॾी महिरबानी जावेद अहमद सुंदड़ो साहब वॾी महिरबानी मीर मोहम्मद साहब वॾी महिरबानी कादिर बख्श फुलो पोटो थैंक यू जामिया कासमिया प्यारो जमाली सकरन थैंक यू परदेसी इलाही बख्श थैंक यू सनाला चाचड़ थैंक यू ज़हीर तुनियो वॾी महिरबानी सजाद ख़ान वॾी महिरबानी शकूर काका वॾी महिरबानी अज़ीम बरोड़ो थैंक यू हाजी बशीर अहमद बेंगल वॾी महिरबानी अनवर अली ताज बो ताज बोतार इहो वरी कीअं अबा महर जावेद थैंक यू अली मोहम्मद साह ओ रहस तूं बाबा नाराज़ आहे असां बि तोखे नाराज़ आहियूं तूं असांजे वज़ीर ला थियण ते नाराज़ थो थिए ठीकु आहे वारो ईंदो बीह वज़ीर ला छॾो थियणु ॾे तूं जावेद अहमद बाबा मिड़ई था दिलि खे पुलाव खारायूं आसिफ चन्ना अला नवाज़ शर वॾी महिरबानी एजाज़ अली बोज़दार फ़क़ीर मोहम्मद अली महर मीरपुर ख़ास वॾी महिरबानी यूसुफ सुमरो दाद लगारी वॾी महिरबानी अमान अमानुल्लाह जमाली वॾी महिरबानी जमील अहमद बलोच थैंक यू कादिर बख्श फुल पोटरो सलीम अब्बासी साहब थैंक यू मड़े इहे सग सां वेहंदा आहियूं कचहरी वचहरी कंदा आहियूं गुज़िरियल लॉकडाउन खां इहे ॻाल्हियूं कचहरियूं शुरू कयूं आहिनि मिड़ई पंहिंजे दिलि जो आवाज़ संगत खे ॿुधायूं था सलीम साहब सालो कोरेजो साहब हाला न्यू हाला न्यू खां गुज़रबो बाबा वापसी ते अब्दुल मतीन अब्बासी मोहम्मद इस्माइल जतोई पन्नो आकिल आफ्ताब लगारी साहब वाह सही वाह 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 अब्दुल गनी साहब एके सुमरो बदीन वॾी महिरबानी उबैदुर रहमान गिलाल अब्दुल रहमान मंगरियो फराज अहमद सुमरो इमाम दीन महर उस्मान साहब बड़ी मेहरबानी रईस नज़ीर हुसैन थैंक यू आज़ाद खोसो बद तू बाग में आज़ाद लगो पियो गुलाम जमीर साहब बड़ी मेहरबानी जमील अहमद साहब डोट वॾी महिरबानी अलाह ते खुश रखे ज़ुबैर बरोई हाइचू सुभान अली भुट्टो वॾी महिरबानी ख़बर है सही ख़बर है अब्दुल रज़ाक सुमरो अब्दुल फताह जान फज़लुर रहमान इंडड़ शहमीर अहमद महर हाजी सेफल ओ बुज़ुर्ग सरहद घोटकी खां वॾी महिरबानी सजावल बलोच मोहम्मद फयास मदनी यार ऐसे में पागल थोड़े हूँ आपको मोबाइल में ऐसे ज़ाहिर हो रहा है ये सही है गुलाम शबीर डेपर अब्दुल गिलाल अली माजिद अरे सा बाबा तव्हां सां कावड़ा तव्हां मुंहिंजे वज़ीर अला थियण ते नाराज़ आहियो असलम सुमरो वज़ीर दिफ़ा अब्दुल बारी शेख रोड़ी सीमट फैक्ट्री खां वॾी महिरबानी
अबू बकर अरबाब साहब उबैदुर्रहमान साहब जो अजोको जो प्रोग्राम अस कचहरी कई से लाइव यकीन कद तो तुझ वो तवी दिल खुश थी पांजे अंदर जो आवाज़ हुयो जो तहां तई पुजायोसे तवां इन के शेयर कंदो त जे यो हजारन लखन मानन तई पुजे एको त नौजवान नौजवान बेरोजगार छो हन उनन जे हकन ते धाड़ो आ ए बियो असान जे सिंध जे हकन ते भी धाड़ो आ। कारी अबू तलहा लिफ्ट नहीं है बाबा, मैं आपके पास हूं करीब हूं लेकिन लिफ्ट नहीं है, क्या करें, आपकी मर्जी है बाबा, भलोच आदमी है, मरी लोग है आप, हम तो फकीर लोग हैं बाबा। मीर मोहम्मद साहब जफर अली यासीन बादाम खजूर टेड़ी, हलो छोकरा जबरदस्त। शेख सोनो वड़ी मेहरबानी। विकी कुमार थैंक यू। जमीर साहब उमरानी वड़ी मेहरबानी। बाबा लिफ्ट तवा नदा दियो ने, असा त लिफ्ट ही निकता। जहूर अहमद गबोर साहब वड़ी मेहरबानी। अनिल कुमार वड़ी मेहरबानी। मीर सदाम साहब वड़ी मेहरबानी। मोहम्मद खान सुमरो चक खान वड़ी मेहरबानी। मोहम्मद अयास वड़ी मेहरबानी। शेख सोनो फारूक जान अब्दुल गनी ताहिर चन्ना मदनी शफीउल्ला शफी। संगत हाँ गाल यह है तो कचहरी थी वही, इन कचहरी से तवजो असा बीक फेट खपे, शेयर कयो, लाइक कयो, संगत तई पुजायो। अज जो जो उनवान हुयो उन उनवान ते असां बाकायदे चीफ जस्टिस के मसले ते ए नौजवान के बेरोजगारी के मसले ते एक असां जामे तफसीली गाल कई है। पांजे अंदर जो आवाज़ है जो असां बुधायो है यो भी बुधायो है तो पाकिस्तान के छण में उलमा जो किरदार है। उलमा उलमा ते या गाल पहुंचाएं ए कराची अचो इस्लामिया कॉलेज मज़ारे कायद का गड है उते असांजे बुजुर्ग मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जी कबर है। उनते फातिहा पढ़ो उते दिसो त किया बुजुर्ग आरामी आहे। पाकिस्तान जो झंडो इन फड़कायो, पाकिस्तान जिंदाबाद जो नारो इन लगायो। अज अताउल्ला मां समझा तो तू मुखे बदराईंदे पुट के रुश्वत डिनी दई मां समझा दो पुट मां समझा दो मां भी पंज दर्जा पास आया। शाह करीम जा शहजादा बुधेंदो न मोहम्मद अमीन जागीरानी मीरो खान का सलाम तो चे वड़ी मेहरबानी असम ताके सलाम ता क्यों आजम भाई ताके सलाम सजी संगत के सलाम आई लव यू। हन वत मुहर्रम जो महीनो हले तो सब्र जो इस्तकामत जो सब्र जो महीनो हले तो अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। दही मुहर्रम ते मोबाइल बंद होंगी, यारह मुहर्रम ते जी मोबाइल खुलंदी तवा सा लाइव थींदासे, पो तवा जे अगियों पढ़ाई कंदासे मूसा उन पढ़ाई में अली सुमरो गड हुंदो जेको तवा सा दह मुहर्रम जे हवाले सा लाइव थींदो। तेस तई कचहरी के मेज़बान पंजे इकबाल सुमरे के इजाज़त ॾींदा। अल्लाह निगबान सदाई गॾु।